बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ अत्ता ज़ीरक। मैं आज आपको ये जो कोरोना वायरस ने पैनिक फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी और जो दूसरे एनवायरमेंट के इश्यूज हैं उनसे। तो आइए आज देखते हैं कि ये कहाँ फैला है और किस पैटर्न पे ये कोरोना वायरस फैल रही है और कब ये ख़त्म होने जा रही है। तो आप ये ग्लोबल ये मैंने मैप बनाया एक पूरे वर्ल्ड का। यहाँ जो दुनिया का सेंटर है, इक्वेटर का लाइन, ये मैंने ड्रा किया हुआ है। इस इक्वेटर से ऊपर आप आएंगे तो ये 30 डिग्री लेटिट्यूड बनता है, सूरज से लेके ये जो इक्वेटर है यहाँ से ये 30 डिग्री पे ओहान शहर आ रहा है। ओहान शहर में पहला केस रिपोर्ट हुआ था जो कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आ रहा है। फिर यहाँ से ये 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर साउथ कोरिया के शहर डाइगू में रिपोर्ट हुआ था। फिर यहाँ से ये कुम ईरान में केसेस फैलने शुरू हो गए, वो भी 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ लेटिट्यूड है। यहाँ से ये मैड्रिड स्पेन और इटली के शहर मिलान जो कि 45 डिग्री लेटिट्यूड और 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ लेटिट्यूड है। यहाँ से ये एक्सटेंड करके न्यूयॉर्क 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ लेटिट्यूड, मिशिगन 44 डिग्री नॉर्थ ऑफ लेटिट्यूड और न्यू जर्सी 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ लेटिट्यूड में रिपोर्ट हुए। जो ज्यादा इंटेंसिटी कोरोना वायरस की बन रही वो यही 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री के दरमियान बन रही है, जो जिस इलाके को सब ट्रॉपिकल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर कहते हैं। इस इलाके में इनकी फैलाव की वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब ये फैलना शुरू हुआ था तो ये इक्वेटर से साउथ में सन था, यानी ये जनवरी या दिसंबर की बात है जब इक्वेटर क्रॉस नहीं की थी सूरज में और साउथ 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर में सूरज था, तो पहला केस यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था। जो ही सन ऊपर आता गया, सूरज ने इक्वेटर क्रॉस की, तो ये यहाँ से क्लियरेंस शुरू हो गई। ओहान शहर से अभी 95% रिकवरी इस वजह से हुई है क्योंकि इक्वेटर को क्रॉस किया था, तो यहाँ पे वर्टिकल शोए पड़नी शुरू हुई, तो वहां से साफ हुआ। डायगू में 50% प्लस रिकवरी हुई है, अभी कुम ईरान में 35% प्लस रिकवरी हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर रिकवरी होती जाएगी और लोग जो पेशेंट ठीक होने शुरू हो जाएंगे और इसका फैलाव जो एक्सटेंशन है वो भी रुकता जाएगा। और चूंकि ये इधर था, सूरज इक्वेटर पे था, तो 30 डिग्री तक इसका इफेक्ट पड़ रहा था। जब ये 10 डिग्री ऊपर और आएगा, यानी 23.0 से 10 डिग्री पे आ जाएगा, 10 डिग्री में ये एक महीने में पहुंचता है, तो एग्जैक्ट 23 अप्रैल को ये 45 डिग्री तक के मुल्कों को भी क्लियर कर देगा, यानी नॉर्दर्न यूरोप और साथ ही साथ जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका है वो भी इस वायरस के असर से निकल जाएंगे। अब हम आएंगे अपने ममालिक में कि ये जो हमारा मुल्क है ये तो ट्रॉपिकल है, ये 23 डिग्री से 33 डिग्री तक फैला हुआ है। इंडिया जिनमें साउथ एशियन कंट्रीज है और अफ्रीकन कंट्रीज है, ये यहाँ पे सूरज की शुआएं वर्टिकल पड़ रही है, तो यहाँ पे वायरस के फैलने का बिल्कुल भी खदशा नहीं होता है। ये जो ऊपर ममालिक थे जहाँ पे पहले ये 5 के 6 सिटीज है, ये सारी लो लैंड सिटीज है, यानी सारे समंदर से इसका फासला एलिवेशन में कम है, तो वहां पे पोल्यूशन पहले थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, पोल्यूशन भी था, पोल्यूशन पे बैठ रहा था क्योंकि सर्दी थी और अंधेरा था, क्यों सूरज की शुआएं जो है ना वर्टिकल नहीं पड़ रही थी, इस वजह से वहां पे सूरज की शुआएं डस्ट पोल्यूशन प्लस सूरज के लेटिट्यूड की वजह से वहां पे इनकी शुआएं वर्टिकल नहीं पड़ रही थी, इसलिए इन ममालिक में ये वायरस फैला। अभी जब सूरज ये ट्रेवल करेगा, क्रॉस करेगा और यहाँ पे जाएगा और बारिशें भी रुक जाएगी, बादल भी नहीं होगा, डस्ट भी नहीं होगा और इन ममालिक में इंडस्ट्री भी रुकी हुई है, तो चांसेस ज्यादा है कि इनकी ग्रोथ रुक जाए। हमारे ममालिक चूंकि लो लैंड सिटीज बहुत कम है सिवाय कराची के, लेकिन कराची की लेटिट्यूड फिर अच्छी है, वो इक्वेटर के करीब है, 24 डिग्री पे है, तो कराची में भी फैलने का खदशा कम है। नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान में भी कम है, इसकी एलिवेशन ज्यादा है यानी ऊपर है, सूरज और जमीन के दरमियान फासला कम हो जाता है और क्लियर स्काई है, तो वहां पे भी ये वायरल जो इन्फेक्शन है ये नहीं होगा। जो क्वेटा है वहां पे रुकी हुई है, इस वजह से क्लियर स्काई है, क्लाउड्स नहीं है। इस्लामाबाद में क्लाउड्स थे तो क्लाउड्स की वजह से ये थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा था, अभी ये 29 से यानी आज से
या अगर क्लियर स्काई होगी तो क्लियर स्काई में वायरस की ग्रोथ रुक जाएगी, जो पेशेंट से वो भी उसकी रिकवरी भी तेज होती जाएगी। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 10 अप्रैल तक पाकिस्तान में नए केसेस रिपोर्ट होना बंद हो जाएंगे, जबकि पूरी दुनिया में 1 मई तक केसेस होना बंद हो जाएंगे जो कि नॉर्थ में आ रहे हैं। तो सूरज हमारे लिए एक बेनिफिट दे रहा है, अगर ये 5 चीजें हम कर ले, एक तो इंडस्ट्रियलाइज जो लोलैंड्स है उन इलाकों में ज्यादा केसेस आ रही है, फैक्ट्रीज बंद हो तो ये खत्म हो जाएंगे, कार्स वगैरह न चले कम हो तो वहां पे लोलैंड कंट्रीज में भी कम हो जाएंगे। हमारे यहाँ इंशाल्लाह पूरे जो साउथ एशियन रीजन प्लस अफ्रीकन रीजन है तो यहाँ पे क्लाउड्स थोड़े से हट जाए तो ये नए केसेस तो नहीं होंगे, बाहर से फार्मर्स आएंगे तो वो शायद अपने साथ ले आए, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। और 10 अप्रैल प्लस से 20 अप्रैल के दरमियान यहाँ पे बिल्कुल ये तकरीबन खत्म हो जाएगा अगर हम अपने बॉर्डर जो है ना वो उसको क्लोज कर दें। थैंक यू वेरी मच।